जब तक के ये जितेंद्र एंड जितेंद्र आवाड एंड कंपनी जो है ना, तब तक के लॉलीपॉप ही मिलने वाला है। बस का एक बस स्टॉप का खंभा गाड़ेंगे और बोलेंगे विकास। ये नगर सेवक और ये एमएलए, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, लेकिन मुमरा वालों के लिए कभी भी सोई सुविधा के लिए जो चीज मिलना चाहिए उसके ऊपर काम नहीं किया। बिल्कुल झूठ। उन्होंने हमेशा, ये जितेंद्र आवाड एंड कंपनी ने हमेशा मुमरा वालों को धोखा दिया है और आज भी धोखा दे रहे हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं, डिस्पेंसरी चालू हुई। 54 करोड़ से फिर इसका बजट चले जाता है 150 करोड़ के ऊपर। कितना चले जाता है? 150। तो इन्होंने जो टाइमिंग लिया है ना, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए टाइमिंग लिया है, हॉस्पिटल चालू करने के लिए कभी इन्होंने आपको मालूम होगा थोड़े दिन पहले इन लोगों ने गार्डन बनाया था, जबकि वो गार्डन का रिजर्वेशन नहीं था, वो हाँ घास वाला में, वो स्कूल का रिजर्वेशन है। मैं असल में इस बारे में ये हकीकत लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने मीडिया में ये मुद्दा उठा के बताया था। तो असल में ये बात दरअसल 2008 से शुरू होती है हॉस्पिटल की कहानी। उस वक्त ये बनना था सिर्फ 10 करोड़ में, 8500 स्क्वायर मीटर में। कितना? 8500 स्क्वायर मीटर में। लेकिन 2008 में इसका प्रस्ताव पास हो गया था और गालीबंद ये हॉस्पिटल उस वक्त बनने की तैयारी के लिए महानगर पालिका की तरफ से कोशिशें चालू थी। लेकिन फिर 2009 में जब एमएलए के इलेक्शन हुए और एमएलए के इलेक्शन होने के बाद में जब यहाँ से जितेंद्र आवाड चुन के आया, फिर उसका सत्यानाश कर दिया हॉस्पिटल का। मांगनी उन्होंने किया, मांगनी उन्होंने किया, और उन्होंने मांगनी करने के बाद में अपने क्षेत्र के इलाके के लोगों को ये हॉस्पिटल की सुविधा कैसे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मिले, इस पे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। ये मुमरा वालों के लिए सबसे बड़ा मतलब एक सदमा है, दुख भरी बात है ये। कैसे खेल किया गया ये, इसके बारे में? इसमें असल में बात क्या है, देखो 2008 के प्रस्ताव को लेके इसके ऊपर फिर बाद में इसका बजट बढ़ाता गया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है इसका। जब ये बजट बढ़ते बढ़ते 54 करोड़ रुपया जब 2014 में इसका फाइनल वर्क ऑर्डर निकलने के बाद पास हो गया कि भाई ये हॉस्पिटल आपको 54 करोड़ रुपए में ग्राउंड प्लस टू का बनाना है, ठीक है। अब वो ग्राउंड प्लस टू बनाने के लिए भी इनकी तरफ से कोई कोशिशें काबिशें नहीं की गई, ना तो इनके नगर सेवक लोगों की तरफ से कोशिश की गई, ये सिर्फ बोलते रह गए। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जब हाईकोर्ट में ये मैटर एपीसीआर के तहत जब ये हाईकोर्ट में मैटर गया, तो उसके बाद में वो हॉस्पिटल एक डिस्पेंसरी के स्वरूप में चालू किया गया। हाँ, आज कैसा है मुमरा वालों के साथ में, ये सबसे बड़ा धोखा है कि सिर्फ एक बस स्टॉप का डंडा गाड़ने का और विकास बोलने का। हाँ, बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आज मुमरा वाले बिल्कुल बिल्कुल दूर दूर तलक के वंचित हो गए ले। वो सारी चीजें मुमरा वालों को मिल ही नहीं रही है। अभी आपको मालूम होगा थोड़े दिन पहले इन लोगों ने गार्डन बनाया था, जबकि वो गार्डन का रिजर्वेशन नहीं था, वो हाँ घास वाला में, वो स्कूल का रिजर्वेशन है। और हमने गार्डन के ऊपर गार्डन दो, जहां रिजर्वेशन की जमीन गार्डन की वहां गार्डन दो, जहां स्कूल है वहां स्कूल दो। तो ये नगर सेवक और ये एमएलए, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया, लेकिन मुमरा वालों के लिए कभी भी सोई सुविधा के लिए जो चीज मिलना चाहिए उसके ऊपर काम नहीं किया। हॉस्पिटल को लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है वो अलग अलग तरह से विरोध भी कर रही थी, सिटी बॉर्डर को लेकर कुपोषण भी हुआ था उसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद से जो राजनीतिक लोकल पार्टी है उनका साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल चालू हो चुका है। बिल्कुल झूठ। उन्होंने हमेशा, ये जितेंद्र आवाड एंड कंपनी ने हमेशा मुमरा वालों को धोखा दिया है और आज भी धोखा दे रहे हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं, डिस्पेंसरी चालू हुई है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी मुमरा में जो कोलीवाड़ा में थी वो बंद करके इधर चालू की गई। हॉस्पिटल का माने क्या होता है, पूरे इक्विपमेंट के साथ में, पूरी सुविधा के साथ में लोगों को वहां पे लाभ मिलना चाहिए। मतलब कोई चीज की भी सुविधा नहीं है, तरीके से डॉक्टर्स हो गए, बिल्कुल ऐसे दो मासूम बच्चों की जान भी चली गई। एग्जैक्टली आज देखो एक खातून वहां पे, आपने कुछ वहां से जानकारी निकाली क्या, कितने डॉक्टर अभी वहां पर है, कितने नर्स है वहां, जो लोग काम कर रहे हैं क्या वाकई में उन्हें वहाँ काम करने लायक वो है या नहीं है, क्या वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट वगैरह है? देखो वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करने के लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो असल मुद्दा है, एक हॉस्पिटल चालू होने के बाद में
जो डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं, जो वाकई जो उनको माना जाता है, तो वो हिसाब से वहां पे कोई काम नहीं होता है, ना हो रहा है। अब वो डिस्पेंसरी के तहत जैसे मैंने आपको बताया कि वो हिसाब से वो हॉस्पिटल चल रहा है, अब करोड़ों रुपया खर्चा करके अगर डिस्पेंसरी ही हमको देना है तो ये तो हमारे साथ में ना इंसाफी है। फिर मुमरा वालों को इंसाफ कब मिलेगा? आज वो हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर रखा गया था तो वो यही सोच के रखा गया कि मुमरा दीवा सारे इलाके के 14 गांव के लोगों को उसका फायदा पहुंचे। अब वहां तो खुद मुमरा वालों को फायदा नहीं पहुंच रहा है। आपका यही कहना है, जितेंद्र रावत का भी एक वीडियो था, साफ तौर पर वो कह रहे थे कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर लेता है तो हम उनको दे देंगे। आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू होगा या प्राइवेट हो जाएगा? देखो, ये चालू होना सबसे पहले जरूरी है। रहा सवाल प्राइवेट का, तो प्राइवेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के अंदर इसके बारे में डिबेट हो रही है और आगे ये प्रोसीजर कोर्ट के अंदर चलने ही वाला है। अब हो सके उतना इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल का पूरे पूर्ण फायदा लोगों को मिले। प्राइवेटाइजेशन के बारे में अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा है। अच्छा, ये डीले की वजह क्या आपके? देखो, ये डीले की वजह एक ही हुई है कि सिर्फ उसमें भ्रष्टाचार करना है। क्या करना है? भ्रष्टाचार करना है। जब 54 करोड़ रुपया का वर्क ऑर्डर पास हुआ और इतनी बड़ी रकम पास होने के बाद में बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के अंदर बताया गया है कि 27 करोड़ के अंदर उनको आरसीसी काम करना है पूरा, और 27 करोड़ के अंदर गैस पाइपलाइन, फर्नीचर, पानी की लाइन, बाकी जो काम है वो सब उनको करना है, ठीक है। तो ये 54 करोड़ से फिर इसका बजट चले जाता है 150 करोड़ के ऊपर। कितना चले जाता है? 150। तो इन्होंने जो टाइमिंग लिया है ना, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए टाइमिंग लिया, हॉस्पिटल चालू करने के लिए कभी इन्होंने टाइमिंग ही नहीं लिया। देखो, वो ताल्लुक से एस्टिमेट की जो तुम बात करते हो तो वो अगर देखा जाए तो 54 करोड़ के अंदर फिलहाल उसके स्ट्रक्चर के बारे में मुझे मालूम आते, बाकी रहा अंदर इंस्ट्रूमेंट का, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर जो भी वहां से महानगर पालिका से चालू होएगा वो मैं बता सकता हूँ, जो भी वहां से निकलेगा उसके बारे में वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन जहां तक के फैसिलिटीज की बात है और इन्होंने बताया टाइम क्यों लग रहा है, तो टाइम लगने की वजह यही है कि वो हॉस्पिटल के नाम पे पैसा निकाला गया लेकिन हॉस्पिटल बनने का, लास्ट तलक के चालू होने का कोई दूर दूर तलक के इम्कान नहीं थे। कोर्ट में मनपा ने जो हलफनामा 22 और 23 में दिया है काफी अलग है। एक में बताया गया मशीनरी लग गई, एक में लगाने के लिए पैसे की डिमांड की जाएगी, जी उसके बारे में क्या? उसके बारे में देखो, पहली बात तो कोर्ट ने उनके जो एफिडेविट दाखिल किए है उसके ऊपर खुद कोर्ट ने सवाल खड़े किए, कोर्ट ने उनके एफिडेविट को माना ही नहीं है। अगर उनके एफिडेविट में कोई भी बात सच्ची होती तो कोर्ट उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाता। कोर्ट ने जो है उसके ऊपर इंक्वायरी इसीलिए बिठाया है कि बाबा इधर क्या हकीकत है, उसके लिए हम ऑर्डर करते हैं और उसकी सारी इंक्वायरी के तहत हमारे को 8 नवंबर तक पूरा एफिडेविट के साथ में आप मालूमात फराहम करो। अनिल भाई, कब तक मुमरा वासियों को लॉलीपॉप और आश्वासन ही दिया जाएगा? जब तक के ये जितेंद्र आवाड एंड कंपनी जो है ना, तब तक के लॉलीपॉप ही मिलने वाला है। बस का एक बस स्टॉप का खंभा गाड़ेंगे और बोलेंगे विकास कर दिया हमने। हकीकत में जो विकास होना चाहिए वो मुमरा का विकास कहाँ हो रहा है?